हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मारावत और आज हम शेयर करेंगे कुछ ऐसे किचन हैक्स जो हम सभी की रोज़मर्रा की लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये किचन टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल फूड्स लाइफ में। और गाइस, ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी पहली टिप है करेले को लेकर। मार्केट में अक्सर आप लोग जाते होंगे तो आपको दो तरीके के करेले दिखाई देते होंगे, एक पतले और लंबे जैसे कि ये वीडियो में देख पा रहे हैं आप लोग, और एक मोटा करेला इस तरीके से। तो करेले हम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो भरवा करेला और दूसरा काट के ग्रेवी या फ्राई करेला। तो अगर आप भरवा करेला बना रहे हैं तो आप ये करेले का इस्तेमाल करें जो कि थोड़े साइज़ में मोटे होते हैं और छोटे होते हैं। और अगर आप काट के करेले बना रहे हैं और फ्राई करके या फिर ग्रेवी वाले, तो आप इस तरीके के पतले और लंबे करेले लें। ये साइज़ में थोड़े से पतले और लंबे होते हैं और कड़वाहट इनमें थोड़ी कम होती है। और अगर करेले कड़वे हैं तो इनके लिए भी एक टिप है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको। हमारी नेक्स्ट टिप है तरबूज को लेकर। अक्सर हम लोग मार्केट से मीठा, लाल और पका हुआ तरबूज लाना पसंद करते हैं। इसके कुछ टिप्स हैं जो कि आपको मदद करेंगी तरबूज पहचानने में कि आपका तरबूज मीठा है, लाल है या नहीं। तो आप तरबूज को उठाकर देखें, अगर तरबूज भारी है तो वह अच्छा है, तरबूज को बजाकर देखें, हॉलो साउंड करता है तो वह अच्छा है, पीला पैच दिखे तरबूज के ऊपर और बाकी का हिस्सा डल डार्क ग्रीन हो तो आप वही खरीदें। तरबूज दो तरीके के होते हैं, एक ओवल शेप यानी कि अंडाकार और एक गोल। आप हमेशा ओवल शेप यानी कि अंडाकार शेप में तरबूज खरीदें, वो ज़्यादा मीठा होता है। अगर आप गोल तरबूज काट कर देखें तो मे बी वो मीठा ना हो और लाल ना हो। तो अब आप हमेशा जब भी तरबूज खरीदें ओवल आकार में खरीदें यानी कि अंडाकार आकार में, बजा कर देखें, पीला पैच देखें, आपके तरबूज मीठे, लाल और पके हुए निकलेंगे। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि करेले स्वाद में कड़वे होते हैं और आप उन्हें आसानी से नहीं खा सकते। इन करेलों का कड़वापन कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। इन करेलों को उबालते टाइम आप इसमें आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करें और एक छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आमचूर नहीं है तो आप इसमें एक छोटा टुकड़ा नींबू का डालें और इसे उबलने के लिए रख दें। इसे एक दो सीटी आने तक उबालें, उसके बाद आप इन्हें काट कर बनाएं। आपको करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और आप इन्हें आसानी से खा सकते हैं। कच्चे केले की सब्ज़ी तो आप सभी को अच्छी लगती होगी, बट इन्हें छीलना और काटना थोड़ा सा टफ काम लगता है क्योंकि इन्हें छीलने से और काटने से हाथ काले हो जाते हैं और चिपचिपे भी, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इन्हें काटने और छीलने का बहुत ही आसान तरीका देखें। एक प्रेशर कुकर लें, एक गिलास पानी लें और उसमें ये केले अलग अलग करके डालें और एक वेसल आने तक इन्हें बॉयल कर लें। हल्का ही बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं। बट अब आप इन्हें निकाल लें और इनका कलर देखें, हल्का सा चेंज हो चुका है। केले हल्के से सॉफ्ट होने हैं, बस ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने वरना ये गल जाएंगे। अब इन केलों को इस तरीके से हेड पार्ट और टेल पार्ट काट कर इन्हें अलग कर दें और छील लें। इनको छीलना बहुत ही आसान लगेगा, आप जब ये ट्राई करेंगे तो आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप लोग ये किचन टिप पहले से ही जानते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये टिप पता थी। और अगर इससे रिलेटेड कोई और भी टिप्स आपके पास हैं तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। आप देख पा रहे होंगे केले के छिलके आसानी से किस तरीके से फटाफट उतर गए हैं और इससे हमारे हाथ भी नहीं काले हुए और ना ही इनमें कोई चिपचिपापन सा निकल रहा है। तो गाइज, आप लोग इस तरीके से केले छीलकर अपना काम आसान बना सकते हैं। केले के छिलके में भी इसका ज़्यादा पार्ट कुछ भी नहीं गया है, बस इसका ग्रीन पार्ट अलग हो गया। आप केले के छिलके की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। और अब जब मैं केले काट रही हूँ तो इनको ये देखें, ये काफ़ी हार्ड है, ये देखें ये बिल्कुल भी नहीं गले हैं। आप इन्हें ग्रेट करके कोफ्ते भी बना सकते हैं। तो अब आप बहुत ही कम टाइम में इन्हें छील कर काट कर इनकी सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप है बेल को लेकर। बेल का शरबत तो बहुत ही फ़ायदा करता है और गर्मियों में इसे ज़रूर पीना चाहिए। बेल खरीदते टाइम कौन सा बेल अच्छा है और कौन सा कच्चा, ये हम कैसे पता लगाएं? तो बेल को आप इस तरीके से घुमाकर देखें और अगर आपको बेल थोड़ा सा येलोइश कलर लिए हुए है और थोड़े से ब्राउन पैचेस, इस तरीके से डार्क ब्राउन चित्तियाँ पड़ी हैं तो समझ लीजिए ये बेल पका हुआ है, आप इसे ले सकते हैं। अगर आप बेल को उठाते हैं और ये हल्का है तो आप समझ लीजिए कि बेल पका हुआ है। बेल का ऊपर हिस्सा
जो ऊपर की स्टेम जुड़ी हुई होती है वो थोड़ी सी डल ब्राउन होनी चाहिए, जिससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि बेल पककर अपने आप मैच्योर होकर टूटकर गिरा है या फिर इसे पकने के बाद ही तोड़ा गया है। इस तरीके से बेल पहचाना जा सकता है कि बेल पका है या कच्चा। बेल का शरबत बनाकर गर्मियों में ज़रूर पिए, ये पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। यदि इससे जुड़ी कोई और भी जानकारी आपके पास है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम सभी लोग अपने घरों में अचार ज़रूर बनाकर रखते हैं या फिर मार्केट से लेकर आते हैं। अक्सर होता क्या है कि अचार तो ख़त्म हो जाता है बट उसका तेल बचा रह जाता है, तो आप इस बचे हुए तेल को फेंके नहीं, अपने नए बने हुए अचार में इस तेल को इस्तेमाल कर लें। इससे आपका तेल वेस्ट नहीं होगा, आपके अचार की रंगत और बढ़ जाएगी और टेस्ट भी इसका दोगुना हो जाएगा इस तेल के प्रयोग से। आप इस तेल को बाटी चोखा, लिट्टी या फिर इंस्टेंट अचार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारी अगली टिप आम के अचार को लेकर है। हर गर्मी के सीजन में आप आम का अचार ज़रूर डालते होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपको आम कौन सा लेना चाहिए अचार बनाने के लिए? आपने वही आम लेना है जिसमें पल्प ज़्यादा हो और रेशे कम। इस तरीके का एक आम आता है जिसका नाम है राम केला। अगर आप राम केला नाम का आम लाएंगे तो उसमें रेशे कम और पल्प ज़्यादा होता है, वो अचार के लिए बेस्ट होता है। अक्सर हम मार्केट से कटहल लेकर आते हैं और कटहल को काट कर अगर छोड़ दिया जाए तो वो काला पड़ जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए आप कटहल में नींबू का रस लगाएं या फिर कटहल को काट कर उसके पीसेस को नींबू के पानी में डाल दें और फिर उसे फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से नेक्स्ट डे भी आपका कटहल वाइट ही रहेगा और काला नहीं पड़ेगा। हमारी नेक्स्ट टिप है बंद गोभी को लेकर, जिसे हम पत्ता गोभी बोलते हैं। सब्जी मंडी में जाते ही एक अच्छे पत्ता गोभी की पहचान कैसे की जाए कि वो अच्छा निकले, इसके लिए आप बंद गोभी को इस तरीके से उठाएं और दबाएं। अगर आपका बंद गोभी छूने में टाइट है, हार्ड है और साइज़ में छोटा है तो आप उसे ज़रूर ले लें। जब आप उसे काटेंगे तो उसकी सारी लेयर्स कंजेस्टेड होंगी, ये एक अच्छा साइन है। हमेशा छोटा पत्ता गोभी लें, साइज़ में बड़ा और ढीला बंद गोभी ना लें। अक्सर हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं और कभी कभी सब्ज़ी तीखी हो जाती है या फिर उसमें नमक ज़्यादा हो जाता है। इससे बचने के लिए आप हमेशा नींबू का इस्तेमाल करें या फिर दही का। सब्ज़ी में अगर आप नींबू का रस मिला देंगे तो आपकी सब्ज़ी का तीखापन और नमक कम हो जाएगा, यानी कि बैलेंस हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट टिप है कि हम खरबूजे को कैसे पहचानें कि वो मीठा है या नहीं। जब भी आप खरबूजा खरीदने जाएँ, आप हाथों में अपने दो खरबूजे उठाएं और दोनों को सूंघें। जिस खरबूजे से महक बहुत अच्छी आ रही हो और तीव्र महक जो कि खरबूजे की होती है और आपको अच्छी लग रही हो, आप वो खरबूजा चुनें। अगर दोनों में महक बहुत अच्छी है और तीव्र है तो आप दोनों लें। मस्कमेलन की दूसरी पहचान, वजन में ये भारी होना चाहिए। हमारी अगली टिप में हम पकौड़ों की बात करेंगे। अक्सर हम कढ़ी बनाते हैं और चाय के लिए पकौड़े बनाते हैं। कढ़ी के पकौड़े बनाने के लिए आपको जो बेसन का घोल है वो ढीला रखना होगा। ढीले बैटर से जो पकौड़ियाँ बनेंगी वो काफ़ी स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेंगी। लेकिन अगर आप चाय के साथ स्नैक्स में पकौड़े बना रहे हैं तो आपको पकौड़ों का बैटर बनाते टाइम पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, या हो सके तो आप एक दो स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो सब्जियां होती हैं वो अपना पानी खुद रिलीज़ करती हैं, जिससे पकौड़ों का बैटर एकदम परफेक्ट बनता है। ऐसा करने से हमारे स्नैक्स वाले पकौड़े एकदम क्रिस्पी, कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं। तो आप अगली बार ऐसा करें, आपको ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। हमारी नेक्स्ट टिप है खस्ता और करारी पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कचौड़ियों और पूड़ियों को खस्ता करने के लिए कुछ टिप्स हैं। आटे में आप हमेशा ऑयल मिलाएं या फिर देसी घी। एक कप आटा यानी कि 200 ग्राम आटे में 2 चम्मच तेल और 2 चम्मच सूजी मिलाएं, सूजी यानी कि सेमोलिना। ऐसा करने से आपकी पूड़ियाँ खस्ता और करारी बनेंगी। आटे को आप हमेशा कम पानी के साथ गूंद कर तैयार करें, यानी कि पूड़ियों का आटा हमेशा हार्ड लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी पूड़ियाँ बहुत ही खस्ता और करारी बनेंगी। हमारा नेक्स्ट और लास्ट किचन है के
माइक्रो सिर्फ प्लास्टिक के बर्तनों को लेकर। वैसे तो प्लास्टिक के बर्तन हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बट अधिकतर लोगों की ये परेशानी है। उस परेशानी को देखते हुए मैंने सोचा ये टिप आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी हम इन बर्तनों में सब्ज़ी गर्म करते हैं तो सब्ज़ी अपने दाग छोड़ जाती है, येलो दाग। अगर बर्तन वाइट है तो वो येलो दाग बहुत ही स्पष्ट दिखाई देते हैं और निकलते नहीं हैं, कितना भी आप उन्हें वॉश करो नहीं निकलते। ये परेशानी आप दूर कर सकते हैं। आप इस बर्तन को धूप में रखें 3 से 4 घंटे के लिए, उसके बाद आप कमाल देखिए, बर्तनों से हल्दी के दाग छूमंतर हो जाएंगे। तो सिंपल है ना, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बर्तन को बस धूप में रखना है। तो गाइस ये थे कुछ हमारे किचन हैक्स। अगर आपको ये किचन हैक्स इम्पोर्टेंट लगे हो, आपके काम के हो और आपको पसंद आए हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके पास भी कुछ किचन हैक्स हैं तो आप हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते किसी नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।